सबको भाई क्या हाल है यार। सब ठीक है मैंने तो यार आज जो है एपिसोड 3 है यार। अभी मैं सो के उठा हूँ तो अभी मैं जा रहा हूँ यार मंडी। अभी मैंने सारे जानवरों को जो है मैंने खाना वगैरह दे दिया, अभी खुद भी खा लिया। तो अभी मैं जल्दी से चलता हूँ यार मंडी को। तो यार रात को जब मैं वापस आया ना तो एक बंदा आया था यार, उसको ना ऊँट चाहिए थे। तो मेरे पास जो खड़ा था वो था ऑफ वाइट, तो उसको प्योर वाइट दो चाहिए थे। तो मेरे पास ये घर पे जो है ये मैं आज लेके जा रहा हूँ। तो वो जो बंदा है वो आ जाएगा फिर वो ले जाएगा यार इनको। तो भाई 1,50,000 का एक जो ऊँट है वो दे दिया। और अभी मैं इनको ले जाता हूँ, आधे पैसे दे गया था आधे वो आके दे जाएगा। बकाया जो है आज मैं सोचा आज अपने सारी गायें भी ले जाऊँ वहाँ पे, तो देखते हैं। क्योंकि आमने सामने वाले जितने भी हैं यार सारे ज़्यादा ज़्यादा जानवर लाते हैं और उनके बिक जाते हैं, मेरे पास फिर भी थोड़े हैं मेरे नहीं बिकते। तो देखते हैं यार, मैं सोचा सारे ले जाऊँ शायद मेरे बिक जाएँ। मैं इसके पीछे पीछे यार चलो ले जाते हैं, गाय मैं बाद में आके ले जाऊँगा। और बहुत से लोग कह रहे हैं यार कि होर जानवर लेके आओ, तो भाई पहले ये तो बिक जाए फिर होर भी लेके आएंगे। चलो यार चले। अरे देखो यार लोगों ने जानवर लेके रखे हैं लेकिन अभी बहुत से घर वालों ने नहीं लिए, तो उन्होंने लेने यार अब अल्लाह करे हमसे ले लें वो, क्योंकि गांव के बाहर से भी लोग आ रहे हैं लेने के लिए। अरे किधर गए यार ये, किधर रस्सी तोड़वा लेते ना फिर मुझे वो चीज़ सामने में फेर रहे हैं यार। रस्सी तोड़वा लेते हैं पता नहीं क्यों। चलो यार ये बांध दिए मैंने यहाँ पे, अब वो बंदा आएगा ना तो ले जाएगा। यहाँ पे सही है जी भाई, आपको मैं निकाल लेता हूँ 1 मिनट यार, 1 मिनट सब्र दो। चलो भाई अपनी एक गाय भी बिक गई, अब हमारे पास दो गायें रह गई हैं और जो मैं उधर से लेके आने वाला हूँ वो भी ले आते हैं। ऊँट भी अपने चले गए हैं यार, ऊँट वाला भी ले गया वो। तो सामने देखो यार इतने सारे जानवर आ गए हैं, साथ भी आ गए हैं, और इनको तो टाइम ही नहीं लगना इनके बिक जाने, क्योंकि हर साल आते हैं ना यहाँ पे, तो इनके वो पहचान है लोगों में। हमारी इतनी नहीं है भाई, हम पहली दफ़ा आए हैं। देखते हैं यार हमारे कब बिकते हैं, लग रहे इससे पहले पहले बिक जाए यार। लो यार रात हो गई है, अब चलते हैं वापस। देखो यार इतने सारे जानवर बिक गए हैं यार इन लोगों के, देखो सुबह तक इतने सारे थे, इतने सारे बिक गए हैं यार। ये देखो थोड़े से रह गए इधर भी, बस थोड़े से ही रह गए, अपने बिकते ही नहीं है यार। चलो ये है कि ऊँट बिक गए अपने, बस एक रह गया वो भी बिक जाएगा। और गायें वगैरह देखेंगे यार कब तक बिकती हैं। चलो यार चल के सोएं अब। चलो यार चलो भाई सुबह हो गई है, अब मैं सारा इनको खाना वगैरह दे दूँ और खुद भी खा लूँ और फिर जो है मैं मंडी को चलता हूँ। यार ये ग्रे कलर बहुत जल्दी बिकेगा यार, लेकिन मैं अभी लेके नहीं जा रहा। चलो यार मैं मंडी तो आ गया हूँ, देखते हैं यार अपने जानवर कब तक बिकते हैं यार। काफ़ी मैं तो कह रहा हूँ बिक जाए यार, फौरन ही बिक जाए। देखते हैं यार ये ऊँट रह गए एक, और गायें और बकरी शीप्स तो रहती ही रहती हैं हमारे। ये तो भाई काफ़ी थोड़े जानवर रह गए इनके पास,
मैं सोचा अपने भी सारे ही ले आऊँ मैं। तो वही लोगों ने रखी, ये पीछे जो गायें थी ना, ये अभी कल जो हमने बेची है ना, ये वो वाली गायें। चलो यार। रुको मैं ऊपर से रस्सी ले आऊँ, फिर जो है ना गायें लेके चलते हैं यार अपनी। सोचा ज़्यादा जानवर होंगे फिर शायद लोग लें। इसी का ये। चलो भाई अब इनको लेके चलते हैं मंडी, और सिर्फ अब शीप्स रह गई हैं वो भी मैं ले जाऊंगा यार। उन्होंने रस्सी तोड़वा ली, एक एक करके निकालने पड़ेंगे। चल आ जा आ जा। चल यार तू भी आ जा। चल तीनों को लेके चलता हूँ मैं मंडी, और फिर देखेंगे शीप्स को। चलो यार इनको ले तो आया हूँ मैं मंडी, काफ़ी मुश्किल से आई हैं यार। चलो इनको अनलिश करते हैं अब। चल भाई किधर गई थी सीएल। चलो भाई मैं सोचूँ अपनी शीप्स भी यहाँ पे ले आऊँ, और वहाँ पे सारा कुछ बंद कर रहा हूँ यार, यहीं पे आके एक रात मैं अभी यहाँ पे रुकूँ। कमेंट्स में बताओ यार, एक रात मुझे यहाँ पे रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए, या फिर आगे देखेंगे जो तुम लोग कमेंट करोगे यार। जो मैं रख लूँ यहाँ पे फ़ौरन ऊपर, फिर चलते हैं वापस। क्या यार कोई आ रहा है खरीदने के? नहीं मैं, मेरे ख्याल से रात को वहाँ पे नहीं ना रहता, तो मेरे ख्याल से रात को ज़्यादा लोग आते हैं वहाँ पे। मैं रात को क्योंकि जल्दी आ जाता हूँ ना, तो 12-1 बजे तक मेरे ख्याल से उधर रहते हैं लोग, क्योंकि जब मैं सुबह जाता हूँ फिर जानवर कम होते हैं, क्योंकि मैं फजर टाइम भी होके आ गया, लेकिन इतने लोग नहीं आते। मेरे ख्याल से रात को आते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं रात को एक रात वहाँ पे रख के देखूँ, लेकिन घर में भी जानवर है ना, तो मैं सोच रहा हूँ ये वाले भी उधर ले जाऊँ और फिर एक रात रुक के देखूँ। तो कमेंट्स में बताओ यार क्या करना चाहिए मुझे। बकाया आगे जो तुम लोग कमेंट करोगे वो देखेंगे। भाई भाई बारिश हो रही है, और अभी ये भाई आए हैं यार यहाँ पे, ये गायें वगैरह देखने पसंद कर लें यार। मैंने रेट आपको बता दिया है, गायें 1 लाख की है, जो शीप है वो 50,000 की, और ये जो ऊँट है ये 1,50,000 का। आप देख लें जो उनसे आपको चाहिए। चलो भाई अपना एक और ऊँट बिक गया यार, शुक्र सारे ऊँट बिक गए हैं। चलो भाई ये यहीं पे छोड़ना था, छोड़ दिया भाई। वो भाई भी चले गए, पैसे ले लिए मैंने। और बाहर तो अब बारिश शुरू हो गई है, सारी मेरी चारपाई गीली हो गई होगी भाई यार। अच्छा साथ वाले जो और सामने वाले जो है ना, वो कलर वाली शीप्स ला रहे हैं, और उनकी काफ़ी जल्दी जल्दी बिक रही हैं उस चक्करों में, और वो बेच भी 1,00,000 रुपये की एक शीप रहे हैं कलर वाली। सोचा मैं भी अपनी ला के 1,00,000 रुपये की बेच दूँ। सही प्लान है यार, वैसे मैं अपनी शीप्स भी यहाँ पे ले आता हूँ और एक रात रुक के देखता हूँ। चलो यार रात हो गई और बारिश हो रही है, तो चलता हूँ यार अब मैं वापस। और कमेंट करके यार बताओ यार एक रात मुझे यहाँ पे रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए, तो फिर वो देखेंगे यार जो तुम लोग कमेंट करोगे, फिर अगला एपिसोड वैसे ही बनाएंगे। बारिश अभी मैं जल्दी से घर चलूँ और अपनी शीप उठा के रख चार पे उठा के रखूँ। यार क्या बोली जा रहा हूँ मैं, चार पे उठा के तो ऊपर रखूँ। चलो यार चारपाई तो ले आया मैं यहाँ पे अपनी, और इधर तो बारिश नहीं हो रही, वैसे छाता है बारिश। तो यहीं तक रखते हैं यार आज का एपिसोड, उम्मीद है तुम लोग पसंद आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताना कि यार एक रात मुझे वहाँ पे रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए। तो
बारह लागे जो तुम लोग कमेंट करोगे वो उसी हिसाब से हम नेक्स्ट एपिसोड बनाएंगे। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़। The girls with their nails done.